जहां एक तरफ पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पिछले दिनों पंजाब सरकार द्वारा राज्य में तेल की कीमतें कम करने के दावे किए गए थे, लेकिन अगर बात जिला पठानकोट की करें तो जिला पठानकोट में ये दावे सही साबित होते नहीं दिख रहे, क्योंकि पंजाब के साथ लगते हिमाचल और जम्मू कश्मीर में डीजल के दाम करीब 6 रुपये सस्ता है, जिस वजह से पेट्रोल पंप कारोबारियों में रोष है। इसी के चलते आज पंजाब के पेट्रोल पंप मालिकों ने इकट्ठे होकर राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि हिमाचल और J&K में डीजल की कीमतें पंजाब से करीब 6 रुपये कम हैं, जिस कारण उनके पेट्रोल पंपों पर भी कोई गाड़ी नहीं रुकती और अब वह पेट्रोल पंप बंद करने की कगार पर हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और केंद्र सरकार से भी अपील की है कि पेट्रोल डीजल को GST में लाया जाए। हज़ारों करोड़ रुपए की जड़ी है वो इत्थे रोज़ स्मगलिंग हो रही है तेल की, हज़ारों करोड़ रुपए की, और कमी सिर्फ साढ़े च यही है कि अपना संख्या च घटा। लोकतंत्र च जिदी संख्या होंगी है, जिदे वोट होंगे ने उन्हां दा जिहड़ा आवाज़ जल्दी सुन ली जाती है, जिदे वोट घट होंगे ने उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है लेट सुनी जाती है, सिर्फ यही कमी है। अदरवाइज शरेआम सीधा सीधा धक्का है। मैं तो यह कहांगा कि इहदे च पंजाब सरकार जिहड़ी है साडी गल सुन के बहुत बड़ी गलती कर रही है। चावला जी एक साडे डीलर मोहाली दे, उन्होंने आत्महत्या की है, और मैनू लगता है कि जो साडी स्थिति है 50 लाख तो लैके करोड़ 2-2 करोड़ रुपए दी लिमिटां जिन्हां दा ब्याज पै रहा है, बिजली दे बिलां दा खर्चा पै रहा है, मुलाजमान की तनखा सानू पै रही है, साडे बच्चे जिहड़े ने उन्हां नू पढ़ाइयां छड्डने पै रहियां ने, रोजी रोटी दा मसला पत्रकार भाईओ हुण आ गया। इस करके मैं कहांगा कि कमी साडे च कोई नहीं है, आपां ईमानदारी नाल जिहड़ा अपना जिहड़ा व्यापार है वो अज तक कीता और अगे भी करांगे, लेकिन ये जिहड़ा फर्क है 5.5 रुपए का, हिंदुस्तान का कोई दुनिया का कोई भी जिहड़ा जिहड़ा सेल्समैन है, जिहड़ा बिजनेसमैन है, वह सानू बिजनेस करके दसे, चाहे इत्थे तुसीं वड्डे तो वड्डे दुनिया रिलायंस नू लैके आओ, वह भी अपने पंप बंद कर गया सीगा जिले रेटां दा फर्क आया सीगा। सानू भी अपने व्यापार जिहड़े आ बंद करने पै रहे हैं, जां मजबूरी नाल अहीं चला रहे हां, जां बहुत मुश्किल नाल उन्नू रन कर रहे हां, तां कि कदी तां कदी इस बोले नू, इस अन्नी सरकार नू, इस बहरी सरकार नू साडी आवाज़ जिहड़ी है सुनाई देगी और रेट जिहड़े आ बराबर होणगे। सिर्फ इक्को ही मसला है कि रेट बराबर होण, जिहदे च दम है वह बेच के दस दे। ये तो कोई तरीका नहीं होया कि एक 800 मीटर से 5.5 रुपए सस्ता तेल है तो साडा 5.5 रुपए महंगा, आप कितना बेच सकते हैं? रिलायंस भी नहीं बेच सकता, अडानी अंबानी कोई नहीं बेच सकता, अहीं बेच रहे हैं पिछले 1.5 साल तो, अहीं अपनी काबिलियत साबित की है, अपनी सेल्समैनशिप साबित की है, लेकिन हर चीज़ का कोई अंत होता है। 1.5 साल एक बिजनेस नूं रन करना बिना प्रॉफिट तो लॉस च जाके, ये सारे भाई जड़े ने वो इदा ही बिजनेस नूं रन कर रहे हैं घाटे जाके, लेकिन इस इलाके के लोगों अं फिर भी सुविधा देने जिन्हों जो अं पंप बंद कर दईए तो सारियां पठानकोट जां कंदरौड़ी जाके तेल पवाने पेगा तो वो चंगा रहेगा, और चन्नी सरकार की कोई बहुत बड़ी इज्जत होएगी उहदे च कि इस इलाके के पंप बंद ने तो लोग हिमाचल च तेल जाके पवाण देन। इस करके मैं निवेदन करना चाहना, हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना पंजाब के मुख्यमंत्री नूं कि वह होश करन और रेट बराबर करन और जो बोर्डा से झूठ लिख के लाया उन्होंने सच साबित कर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल झूठ गल हैगी है जो चन्नी साहब कह रहे ने, मैं ये कह रहा बिल्कुल क्लीयर झूठ बोल रहे ने, क्योंकि साडा डिफरेंस J&K ते हिमाचल नालों 5.5 रुपए महंगा हैगा, उहदे करके हुण साडी ये बेल्ट हैगी है, इधर क्रशर यूनिट भी लगे ने, इंडस्ट्रियल एरिया भी लग गया, जो भी जिन्हों भी जरूरत है वह इतों अद्धा 500 मीटर दूर हिमाचल जाता है, टैंक भर के लिया तो अपने क्रशर च भी तेल पा रहा, यूज़ कर रहा, वह भी सरकार नू वैट का बड़ा लॉस हो रहा है, जो कि सरकार हले तक सुती हुई है, क्योंकि रोज़ टैंकियां भर के हिमाचल तो पंजाब च तेल आ रहा हैगा, वो करके जिदे करके साडा बहुत नुकसान हो रहा है। असी तो 1.5 साल तो नुकसान ही झेल रहे हैं, ये टाइम आ गया कि सानू पंप, मैनू लगता जे यही सिचुएशन रही तो 5-6 महीने होर सानू पंप बंद ही करने पैने ने। उधरों कंपनी का प्रैशर आंदा तुसी सेल करो ये करो, उधरों सानू दोनों तरफों क्रैडिट भी देना पैंदा, सारा कुछ करना पैंदा, बट फिर भी असी सरवाइव नहीं कर सकते। मैनू चन्नी साहब नू यही कहना चाहुंदा कि हले भी मौका है, तुहाडे कोल पावर है, सारा कुछ है, तुसी कर सकते हो। इस बेल्ट तो जिन्ना लॉस हो रहा, सिर्फ 3-4 पंप हिमाचल देने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੰਪ ਨੇ 120 ਪੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸਿਰਫ 4 ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੇ ਸਾਥ ਅਜੇ ਸੈਨੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।